17 सितंबर को जोगट एकेडमी का मेगा टेस्ट हुआ था और ये टेस्ट सच में मेगा टेस्ट हुआ। इसमें आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो मैं तो यही कहूँगा इसको, ये एक मिनी HPSC टेस्ट हुआ था। और इस टेस्ट का हम 22 सितंबर को रिजल्ट निकालेंगे और जिसमें हम जो हमारे टॉपर्स हैं, टॉप 10 तक जो एस्पिरेंट्स रहे होंगे, उनको हम जो रिवॉर्ड देने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और वो रिवॉर्ड होगा हमारे आने वाले प्रोग्राम की फॉर्म में, जिसमें हम एक ऑसम प्रोग्राम चला रहे हैं जो मेंस के लिए होगा। तो जो टॉप 5 होंगे उनको ये ऑसम प्रोग्राम फ्री में मिलेगा और जो उसके बाद 5 होंगे उनको हमारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और जैसे मैंने बताया था कि सभी लोग जो भी इसमें अपियर हुए हैं तो उनको जोगट एकेडमी की तरफ से आगे फ्यूचर में कुछ भी हमारे साथ वो जुड़ते हैं, चाहे कोर्स में है, नोट्स में है, तो वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब बात करता है ऑसम प्रोग्राम के बारे में कि क्या प्रोग्राम है ये। तो ऑसम का मतलब है आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी फॉर HAS मेंस 2023। तो हमारा जो भी काम रहता है, हमारी जो पूरी टीम का जो काम रहता है, वो एक एनालिसिस के बेस पर और रिसर्च के बेस पर होता है। तो हमने ये देखा है कि जो पिछले 5-7 साल के जो मेंस का जो सिलेबस रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, उसके बेस पर जो हमारी रिसर्च हुई है, तो हमने ये देखा है कि जो आंसर राइटिंग है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहता है। और जितना मर्जी हम पढ़ लें, जब तक हम आंसर राइटिंग की टेक्निक नहीं समझते और टाइम के अंदर किस तरह से आंसर लिखने नहीं समझते, तो तब तक हमारी जो तैयारी है वो अधूरी रहती है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि हमें सिलेबस के ऊपर किस तरह से मास्टरी करनी है। तो सिलेबस के ऊपर मास्टरी का मेरा मतलब ये है कि अगर हम पूरा सिलेबस को सही से एनालाइज करेंगे तो हमें ये लगता है कि सिलेबस अपने आप में कनेक्टेड है, पेपर 1 पेपर 2 के साथ है, पेपर 2 पेपर 3 के साथ है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक टॉपिक दूसरे के अंदर सब्ज्यूम हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो सिलेबस है वो करीब करीब 60% ही रहता है, 40% कहीं ना कहीं वो ओवरलैप करता है। और दूसरी बात इसके अंदर आती है कि जब हम सिलेबस को सही से समझते हैं, तो जब हम पिछले कुछ साल का स्टडी करते हैं, जैसे हमने अभी प्रीलिम्स के लिए किया था, तो कुछ ही एरियाज़, कुछ ही थीम्स ऐसे होते हैं जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर क्वेश्चन कई बार नहीं बनते, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो पिछले साल पूछा गया तो इस साल उसको पूछने के कम चांसेस रहते हैं। तो हमारा सिलेबस में मास्टरी का मतलब ये है कि सिलेबस को बहुत सही से समझना, उस सिलेबस को कम करना और उसमें से रेलेवेंट चीज़ें ही निकालना, रेलेवेंट जो थीम्स है, रेलेवेंट जो एरियाज़ है उनको ही बाहर निकालना, कि जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, चाहे कंटेंट बनाने में रहा है, टेस्ट सीरीज में रहा है, जो टॉपर्स निकले हैं हमारे साथ तैयारी करके, उनके साथ जो कुछ भी सीखा है, तो उसके बेस पर हम ये सिलेबस मास्टरी का प्रोग्राम चलाते हैं। तो इसमें आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरिंग, इसी को हमने नाम दिया है ऑसम प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये सभी के लिए रहेगा, चाहे जोगट एकेडमी के जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए होगा, और भी कोई लोग इसमें जुड़ना चाहते तो आप जुड़ सकते हैं। और हमारा ऑनलाइन भी होगा ये प्रोग्राम, ऑफलाइन भी होगा, जैसे मैंने बताया जो हमारे टॉप 5 में होंगे उनके लिए ये प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री होगा, और जो टॉप उसके बाद अगले 5 होंगे उनके लिए हमारी जो HPSC की जो मेन टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री में रहेगी। अब ये जो ऑसम प्रोग्राम है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 अक्टूबर को, कि प्रीलिम्स के बाद आपको एक कर हफ्ता मिलेगा, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 30 नवंबर तक चलेगा। तो हम ये मानते हैं कि इसी के दौरान मेंस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोर्स रहेगा हमारा 45 डेज़ का, 45 दिन में होगा, और मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी, और 4 घंटे क्लासेस रहेगी आपकी डेली। और उन 4 आवर्स में 2 आवर हम GS की बात करेंगे, 1 आवर हम HPGK की बात करेंगे, और हर दिन आधा घंटा हम आंसर राइटिंग को देंगे। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें हम पूरा सिलेबस नहीं करेंगे, और हमने क्या करना है, इसके कुछ एनरिचमेंट नोट्स बनाने हैं, वैल्यू एडिशन कुछ नोट्स बनाए हैं, और वो नोट्स इस तरह से है कि एक थीम को पकड़ के उसके कितने डायमेंशन बनते हैं उनके बारे में रहेगा ये। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है MSMEs, तो MSME के बारे में हम सोचेंगे, पहला इसका डायमेंशन बनेगा व्हाट इज़ MSME, दूसरा बनेगा MSME का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, तीसरा MSME में बनेगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए इस MSME सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए।
अगला बनेगा एक डायमेंशन बनेगा इस थीम का कि एमएसएमई के लिए चैलेंजेस क्या है, और एक बनेगा वे फॉरवर्ड क्या है। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि हर एक सिलेबस हर एक पेपर में से वही पॉइंट जो कि 100% नहीं होंगे, हमने सिर्फ अपनी एक जो एनालिसिस है और अपनी एक एक्सपीरियंस है उसके आधार पर 40% ही हमने ऐसे टॉपिक उठाने हैं और उनके एनरिचमेंट नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और जो वैल्यू एडिशन नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये इस तरह का कंटेंट होगा, नोट्स से थोड़ा सा कम होगा और जो टेस्ट सीरीज के आंसर होंगे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो एक ही टॉपिक के अंदर मल्टी डायमेंशन कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो काफ़ी तक हमारे ये नोट्स रेडी है, तो ये इस प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस लगाए गए उनको ये जो नोट्स है वो हार्ड कॉपी के रूप में दिए जाएंगे, और जो डिस्टेंस लर्निंग में होंगे जो ऑनलाइन कर रहे होंगे उनको हम इसको पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आंसर राइटिंग को हमने माना है कि प्रायोरिटी पर रखा हुआ है कि हर दिन आधा घंटा आंसर राइटिंग पे दिया जाएगा, और उसी वक्त आपको इवैल्यूएट करवाया जाएगा आपके आंसर सामने सामने, और कोशिश अगर सामने नहीं हुए तो नेक्स्ट डे आपको आंसर इवैल्यूएट होके मिल जाएगा। तो ये रहेगा, और टोटल आवर्स 180 आवर का ये हमारा कोर्स रहेगा। और इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए क्या टेक्निक होगी हमारे पास, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट थीम, सिलेबस के एनरिचमेंट वाला पार्ट, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसको हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और मास्टरी ओवर मेन सिलेबस, तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये तो इसके अंदर रहेगा। तो 45 डेज के अंदर हमने कंप्लीट उस डायरेक्शन में जाना है जो एग्ज़ाम की नीड है, उससे बाहर नहीं जाएगा हम, और उसी के अंदर रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब रही बात नेक्स्ट, क्या इस एनरिचमेंट नोट्स के साथ ही बात बनेगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। अब फ़र्क क्या होगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो हमारा है उसके अंदर मेंस का, उसके अंदर टॉपिक वाइज सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है, जितने टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं। अब वो टॉपिक चाहे हमें ये भी पता है कि ये एग्ज़ाम में शायद ना भी पूछा जाए तो भी हमने उसको ऐड कर रखा है, जैसे प्लानिंग है, इंडिया में प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन है, तो ऑल दो ये टॉपिक पुराने हो चुके हैं, अब तो नीति आयोग आ चुका है, तो फिर भी सिलेबस में प्लानिंग है तो हमने प्लानिंग को भी कवर किया हुआ है। तो इसमें लाइन टू लाइन जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के सारे इन नोट्स में मिलेंगे, तो आप ये नोट्स भी ले सकते हैं, और जिसमें आपको सारा होलिस्टिक वे से बताया गया है, और जो यहाँ वाले नोट्स हो गए वो सिर्फ वैल्यू एडिशन नोट्स हो गए, एनरिचमेंट नोट्स हो गए, तो ये फ़र्क रहेगा। तो जिनके जिन्होंने अभी नोट्स इकट्ठा करने हैं तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हमारे नोट्स ले सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, और इनसे पेपर सारा कवर हो जाता है। हाँ, बट इसमें ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे जिसने तैयारी करी हुई है पहले, चाहे जिसके पास नोट्स है, चाहे खुद के भी बनाए हुए हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा ये आपको हेल्प करेगा जो यहाँ वाला नोट्स होगा। नेक्स्ट, और इसके बीच एक चीज़ और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वो है मेंस टेस्ट सीरीज। तो जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है इसका भी यही रहता है कि हमारे जो टोटल टेस्ट है वो रहते हैं 19 टेस्ट रहते हैं पूरे। अब इसमें क्या होगा, जीएस पेपर यूनिट वाइज 9 टेस्ट इसके अंदर रहेंगे, जो हर यूनिट का, हमारे एक पेपर में 3 यूनिट है, तो 3 पेपर पेपर 1 के हो गए, और इस तरह से तीनों पेपर के 9 पेपर हो जाएंगे, और 6 टेस्ट फुल लेंथ हो गए, एक पेपर का 2 फुल लेंथ टेस्ट, और 2 ऐसे हो गए हिंदी का होगा और इंग्लिश का होगा, इस तरह से 9 टेस्ट रहेंगे, और इसके मॉडल आंसर साथ में लेंगे। अब जो मॉडल आंसर है वो भी अपने आप एक कम्पैक्ट नोट्स की तरह काम करता है, कि अगर पिछले सालों के रिजल्ट देखोगे आप तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन नोट्स को पढ़ा था तो उसमें से काफ़ी बेनिफिट हो चुका था उनको। और क्लासरूम में हमारे पास अपना टेस्ट लिखे गए यहाँ पे आके, तो उनको हार्ड कॉपी मिलेगी और वो यहीं सबमिट करेंगे, और जो डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा जो ऑनलाइन के द्वारा लिख रहे होंगे वो हमें अपनी स्कैन करके कॉपी हम तक पहुँचाएंगे, हम उनको इवैल्यूएट करके एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर उनको वापस कर देते हैं। तो ये जो भी हमारा इवैल्यूएशन का मेथड रहता है वो 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जो आने वाला जो मेंस की जो प्रेपरेशन है तो उसके लिए हमारे पास एक कंप्लीट ये पैकेज रहेगा, जिसके अंदर 45 डे का ऑसम प्रोग्राम हो गया, और
हमारी टेस्ट सीरीज़ होगी, इसकी हमने अभी डेट निकालनी कब से हमने स्टार्ट करनी है। और तीसरा क्या हो गया, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट नोट्स फॉर मेंस। तो आप सभी लोग अभी प्री की तैयारी में पूरी तरह से बिजी हो, लगे हुए हो, तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर बढ़िया जाएगा। और आप आइए हमारे साथ तैयारी करें। और ये ऐसा नहीं है कि जिनका प्री क्वालिफाई होगा उनके लिए ही बेनिफिशियल होगा ये, जिन लोगों का प्री नहीं भी किसी कारणवश क्वालिफाई होता और जो इस साल अपीयर नहीं होना चाहते और जो 2024 के लिए ही कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत हाई टाइम है कि उनको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आपको मेरी तरफ से, जोगट अकेडमी की पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका प्रीलिम्स बहुत सही से हो। थैंक यू।